बताना चाहूँगा कि कब्ज़ है और जोड़ों का दर्द है। कब्ज़ अगर हम दूर करने के लिए एक साधारण तरीका है, सुबह उठते ही 3-4 गिलास पानी पीने की आदत डालनी है। प्रातः 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जो है, त्रिफला चूर्ण आप लोग घर में भी बना सकते हैं। हरड़, बहेड़ा, आंवला, आंवला बहुत उपयोगी चीज़ है, हरड़ बहेड़ा भी बहुत उपयोगी चीज़ है। इन तीनों को सम मात्रा में इसका बीज निकाल के इसके चूर्ण बना के अपने पास रखिए। प्रातः 1 चम्मच सादे पानी से प्रातःकाल सेवन करिए। यही रात में सोते समय जिसको कब्ज़ है वो उन्होंने गर्म पानी से अगर इसको सेवन करेगा तो पेट उसका साफ बना रहेगा। ये नियम से इसको सेवन करना है। आधी बीमारी समझ लीजिए जोड़ों की इससे भी दूर हो सकती है। लेकिन बहुत सारे नुस्खे हैं, किचन में मसाले उपलब्ध हैं, अभी हम आपको सब बताएंगे कि कैसे आप अपने मसालों से जो है अपने को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है आपका अपना नियम संयम, वो जो है ठीक होने की बहुत ज़रूरत है। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, मैं तो ये बताना चाहूँगा आपको कि आपके कोई रोग हो ही नहीं सकते अगर आप बस सोच लें कि आप केवल अपने शरीर में थोड़ा सा मिलिट्री शासन लागू कर दें कि हाँ हमको ये नियम संयम अपना करना। अदरक को सुखा के जो बनता है बाजारी के यहाँ मिलता है सोप, उसको और गिलोय, वो बाज़ार में भी उपलब्ध है और गिलोय हमारा नीम के पेड़ पर भी चढ़ता है। गिलोय बहुत उपयोगी है। गिलोय हमारे सोंठ और गिलोय दो, केवल दो चीज़ों ही इसको जो है कूट कूट के, अगर इसको जो है मोटा या कूट करके इसको रख लेंगे और इसका 2 कप पानी में अगर इसको उबाल के और अच्छे से काढ़ा बना के चौथाई, जब 2 कप पानी में उबालेंगे आधा चौथाई कप जब बचेगा उसको अगर हम सेवन करेंगे, थोड़ा सा बूरा मिला दीजिए अगर कड़वा लगे, अगर नहीं लगे तो ऐसे पीजिए। इसको केवल 40 दिन तक अगर पी लेंगे आप, मुश्किल से आपका दर्द जो है आपके शरीर से दूर हो जाएगा।